जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वेस्टर्न बारबल्स पे। तो आज के हम टॉपिक में बात कर रहे हैं कि फैट लॉस कैसे कर सकते हैं अपन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पूरी जो फैट लॉस का अपनी जो जर्नी है उसको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, उठते ही आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है। चाहो तो आप उसमें एक नींबू भी निचोड़ सकते हो और पी सकते हो उसको। और सबसे इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो भी जितनी भी गंदगी होती है, रात को जो भी खाया हो आपने, वो सुबह फ्लश आउट हो जाती है। साथ ही गर्म पानी पीने का ये फ़ायदा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फास्ट कर देता है। तो भी भाई सुबह जिम जाता है वो अपने वर्कआउट करने के आधा घंटा पहले या तो एक एप्पल ले सकता है या फिर एक बनाना ले सकता है, या फिर अगर और कुछ भी लेना चाहे तो ओट्स ले सकता है थोड़े से। उसके बाद अपना वर्कआउट फिनिश करना है। पोस्ट वर्कआउट में हम लेंगे एक स्पून या तो प्रोटीन की लेंगे। अगर जो इसके पास प्रोटीन नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने काले चने ले सकता है इतने 100 ग्राम के आसपास, या एक बाउल मान लो आप इतना ले सकता है। और जो अंडे खा सकता है वो 4-5 एग वाइट्स ले सकता है और एक होल एग ले सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे मिड स्नैक की, जो कि अपना होगा लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का। उसमें अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, या 4-5 बादाम की गिरी ले सकते हैं, या फिर भी अगर भूख लगे तो आप थोड़े से रोस्टेड चने ले सकते हैं उसमें। चलते हैं अपने लंच की तरफ। लंच में आपको एक प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का एक कॉम्बिनेशन बना के रखना है, जिसमें आप थोड़े से 100 ग्राम राइस ले सकते हो। अगर जो राइस नहीं खाता वो एक या डेढ़ चपाती ले सकता है मल्टीग्रेन आटे की। उसके साथ हम लेंगे दालें, उसमें आप कभी राजमा की ले सकते हो, कभी छोले, कभी काले चने, या कभी सोयाबीन की जो मंगोड़ी होती है उसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हो। इसके साथ ही आपको एक कटोरी दही की लेनी है और बहुत सारा सलाद लेना है। और मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे पहले जब भी आप लंच स्टार्ट करते हो तो अपने सलाद से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सलाद आपको फुलफिल कर देगा आपके पेट को और आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे। अब बात करते हैं हम इवनिंग की। इवनिंग होते होते हमें इतनी क्रेविंग हो जाती है खाने की, कुछ ना कुछ अपन उल्टा सुलटा खा लेते हैं। तो आपको इसी जगह ध्यान रखना है, आपको गलत कुछ भी नहीं खाना है। आप शाम को एक ग्रीन टी ले सकते हो, और अगर कोई चाय पीना चाहता तो चाय भी ले सकता है, लेकिन उसमें शुगर का थोड़ा कंट्रोल रखें। साथ ही आप भुने हुए चने, थोड़े से स्प्राउट्स, या कोई जो भी अंडे खाता तो अंडे भी खा सकता है। डिनर में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी ना हो। आप डिनर में आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, एक प्लेट सलाद की ले सकते हैं, थोड़ा सा टोफू ले सकते हैं 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास, या कोई मसाला ओट्स भी ले सकता है। डिनर के आधे घंटे बाद आपको वापस एक ग्रीन टी लेनी है ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। तो जो मैंने जितना भी डाइट प्लान बताया फैट लॉस का, आपको इसको कम से कम एक महीने पूरा प्रॉपर ईमानदारी से फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के बाद आप गारंटेड आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप इसको जब फॉलो करते हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको कितना वेट कम हुआ। चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।